की डीपीसी, सीपीडब्ल्यू की डीपीसी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नजीर अहमद रोथर, ये प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हो? हम ये प्रोटेस्ट इसलिए करते हैं कि ये हमारे ये कुक है जो गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे थे, इनका 10 महीनों का तनख्वाह, सिर्फ इनका 3 महीनों या 4 महीनों का तनख्वाह मिलता है और वक्त पर भी वो भी नहीं मिलता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इनका तनख्वाह वक्त पर मिलना चाहिए। और दूसरी डिमांड हमारी यह है कि हम CPW एजुकेशन महकमे में काम कर रहे थे, हमारा सिलेक्शन लिस्ट दिसंबर में अखबार में निकाला है, तब से आज तक हमारा वो DPC नहीं हुआ है। इसलिए हम डायरेक्टर साहब और कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन और खुर्शीद साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारा ये DPC जल्द अज जल्द करे ताकि हम भी अपना चूल्हा जला सके। कितने हमारी ये DPC 3 महीनों से पेंडिंग है। अगर डिमांड पूरी नहीं हो तो आगे पूरी नहीं होगी तो हम सड़कों पर आएंगे, रोड पर आएंगे, उसकी जिम्मेदारी फिर हुकूमत पर होगी। पर ये हमारा रेगुलराइजेशन लिस्ट दिसंबर 10 में तामिल इरशाद में निकाला है, तब से आज तक हमारे DPC नहीं हुई है। कितने लोग आप इससे वाबस्ता है? हम कुपवाड़ा के 70 ही इसमें और हर डिस्ट्रिक्ट की DPC अभी नहीं हुई है। इसलिए हम डायरेक्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारा DPC क्या मतलब होता है? DPC का मसला है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन कमिटी, यह दिसंबर से आज तक ये नहीं हुई है। आप रेगुलर मुलाजिम नहीं हो? जैसे तो अखबार में निकाला है कि रेगुलराइजेशन के लिए दिसंबर 2018।